आउजु बिल्ल नशीत वुरीम बिस्मिलहर रहीम तो ये वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है जो मैंने पॉइम के शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड किए थे जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको वन टू टेन के यानी कि जो आपकी एक से दस तक पॉइंट्स हैं उनके आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पार्ट टू है इस ये इस वीडियो का यानी कि पार्ट वन में अपलोड कर चुका हूँ आप उसको लाजमी वॉच कर लेना ठीक है इससे प्रीवियस जो होगी वीडियो वो पार्ट वन होगी और ये जो है ये वीडियो पार्ट टू है तो इसमें इलेवन से लेकर ट्वेंटी तक आपकी जो पॉइंट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा और अगर आप कर लेते हैं तो इनशाला आपका नाइन्टी फाइव परसेंट पेपर इसी में से अटैप्ट हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं के तो इसको लाजमी कर है रीड करके बता देता हूं, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है और अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं जो मैंने बनाए हैं रिटर्न फॉर्म में पीडीएफ की फॉर्म में तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ थ्री फिफ्टी रुपीज में बाय कर सकते हैं ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहां से मेरे रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ तो अब आपका वक्त जाए कि बगैर आपको रीड करके बता देते हैं पॉइम इलेवन से आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक दो तीन चार पांच छह सात सात इंपॉर्टेंट है इन्हीं में से आपका आएगा इनशाला नाइन्टी फाइव परसेंट पर आपका इसी में से आएगा तो इन शॉर्ट क्वेश्चन को लाजमी कर लेना प्लेस के भी बता दिए मैंने शॉर्ट स्टोरीज के भी बता हैं और सारी पॉइम के भी शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए हैं और सारा इंपॉर्टेंट मटीरियल मेरे चैनल पर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा तो उसको आप लोग लाजमी वॉच कर लेना हाउ कैन दी स्टीम बी फॉल इन स्टार्ज इन द पॉइम वट इज द थीम ऑफ पॉइम वेन डज द लाइफ ऑफ अ मैन बिकम पुअर वट मैसेज डज द पॉइट गिव इन लयर वट डज द पॉइट लेमिट Lamet in layer. How does poet compare layer with animals? What type of uh, delights do we miss in our daily life because lack of time? Poem number twelve. Uh, who was Abraham? Who cannot com uh, compete with the civil uh, civilization of Makkah? What is the moral lesson of the poem? What has made the efforts of the Muslim fruitless? Why does Ilham Iqbal emphasize his uh, rubayat? पॉइम थर्टीन में से जो इम्पोर्टेंट हैं हाउ डिड दी जपानीज बियर द पेन ऑफ द ब्लैक डे वट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द पॉइम हाउ हाउ व पीपल ऑफ टू सिटीज़ मेड पावरलेस वट इज़ द मैसेज ऑफ द पॉइम आर टेल ऑफ टू सिटीज़ वाई डिड द पीपल ऑफ टू सिटीज़ लुक powerless and helpless describe the scene of devastation poem number 14 major important short questions hain. Uh, when does a person remember god what is the effect of that scene why does person feel helpless on the death of friend what is meant by uh, decamping talk why does Bulesha feel the helpless on the death of his friend what are poet ideas on death पॉइंट नंबर फिफ्टीन के जो इम्पोटेंट शार्ट क्वेश्चन हैं वाई डज दॉ एम्पसाइस ऑन हाउ टू नो हिमसेल्फ वट मेक्स वन इन इंटेंगल्ड ठीक है इंटेंगल्ड इन लव वाई डिड मंसूर मंसूर माउंट यारी क्या लिख दिया है मैंने Gloss, gloss लिखा होगा जी एल ओ डब्ल्यू एस वो मंसूर मोमेंट ग्लोव वट इज़ द बेड ट्रूथ फॉर वट पर्पज हैज़ मैन बी अलाइटेड फ्राम हैवन इन सचील ओपिनियन ठीक है उसके बाद हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर सिक्सटीन पे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हाउ मनी एट्रीब्यूट आर मैंशन इन पॉइंट वट मेक्स वन स्केड ऑफ शाइनिंग वट आर द इफेक्ट्स ऑफ गॉड एट्रीब्यूट हाउ डू द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड इफेक्ट मैन करैक्टर उसके बाद पॉइंट नंबर सेवेंटीन आती है वट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैन गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स वट आर दिंग्स डैट कीप अर्सन अ लाइफ वट इज द मैसेज ऑफ पोइम पॉइंट एटीन के सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट हैं ये वो अच्छे तरीके से कर लेना हाउ डज लव इफेक्टिड आवर लिवस सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम वट डज द्रॉन्स रोजिज विगर स्वीट वाइन रिजैम्पल पॉइंट नंबर नाइनटीन आती है इसके तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वट हेपन्स वैन लाइफ इज स्पेंड विद दी हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीट्स वट इज मीट बाय अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीट्स वाई डज द पॉइंट यूज अ गार्डन फुल ऑफ स्नो पॉइंट नंबर ट्वेंटी आती है हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बात शेयर करूंगा वीडियो के लास्ट पे तो उसको अच्छे से सुन लेना आप लोग वाइट डज अ पर्सन क्वेश्चन हिज सेंसेज वैन दी फॉल फैक्ट हिम वट इज द मॉरल लेसन ऑफ पॉइंट वट इज द मैसेज ऑफ दी पॉइंट वट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रोकन इमेजेस तो ये आपके सारे पॉइंट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं ठीक है पोइम नंबर इलेवन से लेके ट्वेंटी तक इस वीडियो में शेयर कर दी हैं पोइम नंबर वन से लेके टेन तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ये वीडियो का पार्ट टू है तो उसको आपने लाजमी वॉच कर लेना है तो इंपॉर्टेंट बात आपसे ये शेयर करनी थी कि आपको वन टू ट्वेंटी पॉइंस हैं इनके आपको सेंट्रल आइडिया हर पोइम का मेन आइडिया हर पोइम का और जो कहते हैं मॉरल लेसन ऑफ दी पोइम हर पोइम का आपको पता होना चाहिए ठीक है एक सवाल आपका मस्ट इसमें से आएगा तमाम चैप्टर के आपने मॉरल लेसन अच्छे तरीके से कर लेने हैं सेंट्रल आइडियाज़ और मेन आइडियाज़ को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उस पॉइंट में क्या हुआ है एक सवाल ऐस, आ, ऐसा लाजमी आएगा आपको और जो पहली टेन स्टोरीज़ हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी उनको अच्छे तरीके से कर लें लेकिन अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते तो हर चैप्टर के मैंने यहाँ पे तीन से चार शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं एलेवन से लेके ट्वेंटी तक तो इनको भी लाजमी कर लेना और अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी प्राइस थ्री फिफ्टी है जिनमें आपको सारा इंपॉर्टें मटीरियल मिल जाएगा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस के शॉर्ट स्टोरीज के और पोइम्स के लेटर एप्लीकेशंस पेयर ऑफ वर्ड्स हर चीज़ आपको इसमें अवेलेबल होगी पेरिंग स्कीम भी होगी तो इसको सिर्फ और सिर्फ थ्री फिफ्टी रुपीज़ में आप बाय कर सकते हैं ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहाँ से आप राप्ता कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़